हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्रिंग JDBC विथ JDBC टेम्पलेट। ठीक है, स्प्रिंग JDBC के साथ किसको यूज करेंगे, JDBC टेम्पलेट का यूज करके हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, मेविन प्रोजेक्ट। और यहाँ पे हम लोग पैकेज का नाम डाल देते हैं और यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है, आर्टिफैक्ट आईडी में स्प्रिंग JDBC विथ JDBC टेम्पलेट और फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पर दो डिपेंडेंसी नया और अभी तक जो आप ऐड करते थे उसमें दो और न्यू ऐड हो जाएगा। चलिए सबसे पहले तो हम लोग स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी ऐड करते हैं सबसे पहले। स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, ये दोनों का तो आप लोगों ने यूज किया है। प्रीवियस के जितने भी एग्जांपल थे उसमें सभी में ये यूज है। यहाँ पर नया कौन सा यूज होगा, स्प्रिंग JDBC। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं स्प्रिंग JDBC, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ से 5.2.7 ही भी हम ले लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ये भी हो गया। और एक और है com.oracle.ojdbc। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आपका JDK का वर्जन अगर JDK 8 है या 9 है या फिर 11 है, तो आप फर्स्ट वाला जो है आप उसे जो है सो ऐड करेंगे। अगर आपका JDK वर्जन जो है सो 10 या फिर 11 है तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूज कर रहे हैं JDK 8, तो हम लोग इस डिपेंडेंसी को ऐड करेंगे। इसमें एक ही डिपेंडेंसी है वर्जन, हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। चलिए कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, बिन क्लास क्रिएट करते हैं, बिन फाइल क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया स्टूडेंट इसका नाम और इसको हम लोग एक अलग पैकेज में क्रिएट कर देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मान लीजिए प्राइवेट इंट रोल, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस, प्राइवेट इंट एज। ठीक है, और इस सभी का हम लोग यहाँ पर गेटर और सेटर क्रिएट कर लेते हैं, गेटर सेटर और सेलेक्ट ऑल एंड जेनरेट। ठीक है, आपको अगर आप डेटाबेस अगर दूसरा यूज करना चाहते हैं ओरेकल, तो आप उसके लिए ओरेकल तो हम यहाँ पर यूज करेंगे। आप MySQL यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिपेंडेंसी है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। वो कौन सा डिपेंडेंसी हम आपको जो है सो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, तो जाकर आप उसके लिए, MySQL यूज करते हैं तो उसके लिए आप इंजेक्ट कर सकते हैं, या फिर PostgreSQL यूज करते हैं तो उसके लिए भी कौन सा डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा, सब आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लास हमने दे दिया और यहाँ पर चार वेरिएबल रोल नेम एड्रेस और एज, चार वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद चलिए हम लोग अब डॉ फाइल बनाते हैं। ठीक है, STUDENT स्टूडेंट डॉ नाम हमने दे दिया
और इसको एज अ कंपोनेंट हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है, इस क्लास को। और इसका नाम दे देते हैं मान लीजिए स्टूडेंट डॉ ही, ठीक है। अब यहाँ पर दो टाइप से हम लोग वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, दोनों तरीका देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो यहाँ JDBC टेम्पलेट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो JDBC टेम्पलेट को आप ऐड कर लीजिए। इसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया JDBC टेम्पलेट ही। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। JDBC कॉन्फ़िग, अभी तक जो आप बनाते आए हैं ऐप कॉन्फ़िग, तो यहाँ पर JDBC कॉन्फ़िग हमने नाम ले लिया और इसको कॉन्फ़िगरेशन में डाल दिया न्यू पैकेज में। और यहाँ पर इस क्लास को है जब कॉन्फ़िगरेशन हमने बना लिया, असाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट स्कैन बेस पैकेजेज इक्वल्स टू कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट स्टार, तो आपको हमने बताया था कि एक क्लास में हम लोग मल्टीपल बीन बना सकते हैं, और बीन क्या काम करता है हमने बता दिया था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मल्टीपल बीन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब पब्लिक ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, ठीक है, और गेट डेटा सोर्स नाम से हम यहाँ पर मेथड बना लेते हैं। मान लीजिए और ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इसका हमने बना लिया DS इक्वल्स टू न्यू ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, उसका DS डॉट सेट ड्राइवर क्लास नेम। तो जो आप कॉन्फ़िगरेशन करते थे JDBC में, आप वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करेंगे। या फिर MySQL का कॉन्फ़िगरेशन है तो MySQL का कॉन्फ़िगरेशन करें, ठीक है। ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद DS डॉट सेट URL, URL यहाँ पर आप दे दीजिए JDBC कॉलन और एकल कॉलन थिन ड्राइवर यूज करेगा, ठीक है, @ लोकल होस्ट 1521 जो पोर्ट है और XC। उसके बाद DS डॉट सेट यूजर नेम, जो आपका डेटाबेस का यूजर नेम होगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो मेरा है यहाँ पर शशि, और DS डॉट सेट पासवर्ड भी आप प्रोवाइड कर दीजिए अगर इफ़ है तो। हमने दे दिया डेटाबेस का नाम और पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ से आप रिटर्न कर दीजिए DS को, ठीक है। इसको एज अ बीन हम लोग मार्क कर लेते हैं। दूसरा बीन हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे, पहले बना ले मेथड पब्लिक, हमने कौन सा बनाया, डॉ का नाम क्या है, स्टूडेंट डॉ, डॉ क्लास का, डॉट गेट कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी आप बना सकते, मेथड का नाम दे सकते हैं। यहाँ से रिटर्न कर देगा किसको, रिटर्न न्यू स्टूडेंट डॉ में क्या करेगा, गेट डेटा सोर्स,
जो हमने यहाँ पर बनाया था गेट डेटा सोर्स, उसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तभी हम लोगों ने बना यूज नहीं किया है स्टूडेंट डॉ क्लास में, इसीलिए यहाँ पर एरर दे रहा है। चलिए इसको भी हम लोग एज अ बिन मार्क कर ले रहे हैं। RETURN रिटर्न न्यू स्टूडेंट द गेट डेटा सोर्स, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट डॉ में आ जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हो गया हम लोगों का। हाँ तो यहाँ पर कर लेते हैं पब्लिक स्टूडेंट डॉ डेटा सोर्स और इसका हम लोग बना लेते हैं मान लीजिए ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स नेम से, और यहाँ पे JDBC टेम्पलेट जो हमने JDBC टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाया उसको कर लेते हैं इक्वल्स टू न्यू JDBC टेम्पलेट, और यहाँ पे डेटा सोर्स को हम लोग रिटर्न कर देंगे डेटा सोर्स, ठीक है। अब चलिए हम लोग वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं कैसे, पब्लिक बुलियन इंसर्ट रिकॉर्ड हमने नाम से मेथड बना लिया और यहाँ पे दे दिया फाइनल स्टूडेंट एस नाम हमने दे दिया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे स्ट्रिंग str हमने ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू यहाँ पर हम लोग क्वेरी लिखेंगे, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आप यहाँ पर कोई भी टेबल बना सकते हैं, कोई जो आपको अगर लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पे हमने जो बिन यहाँ पर क्रिएट किया वो स्टूडेंट नाम से ही है इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर टेबल्स का नाम जो होगा आप यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे, स्टूडेंट VALUES वैल्यूज कितने वैल्यू इंसर्ट होंगे 4, तो 1, 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करना है रिटर्न किसको, JDBC टेम्पलेट डॉट exe एग्जीक्यूट कॉल बैक स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिपेयर कॉल बैक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट यहाँ से ऐड कर लीजिएगा SQL में str हमने दे दिया, चूँकि str में यहाँ पर हम लोग का क्वेरी लिखा हुआ है, और एक्शन में हम लोग देंगे यहाँ पे न्यू प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कॉल बैक, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बुलियन कर देंगे, ठीक है, जहाँ पर आपका टी है लिखा हुआ वहाँ पे बुलियन कर देंगे टाइप, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ एरर शो करते रहेगा, तो एरर शो कर रहा है वहाँ पर माउस ओवर कीजिए और यहाँ पर ऐड इम्प्लीमेंटेड मेथड इस पर क्लिक कर दीजिए, तो अपने आप जो है यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा, यहाँ पर सेमी कॉलन ज़रूर लगाइएगा। चलिए अब इसके बीच में हम लोगों को कोड लिखना है, तो प्रीपेड स्टेटमेंट का हम लोगों को क्या दिया ऑब्जेक्ट बना के PS, तो इसको यूज करेंगे PS डॉट सेट इंट, इंटीजर टाइप का वैल्यू है रोल, तो यहाँ पे 1 इंडेक्स पे जाना चाहिए, ठीक है वैल्यू, तो स्टूडेंट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है S, तो यहाँ पर कर लेंगे S डॉट गेट रोल, रोल आएगा उसके बाद PS डॉट सेट स्ट्रिंग
टू इंडेक्स पे क्या जाएगा, एस डॉट सेट नेम, सॉरी गेट नेम होगा चूंकि वैल्यू को गेट करेगा, एस डॉट गेट नेम पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग। थर्ड इंडेक्स पे कौन जाएगा, एस डॉट गेट एड्रेस एंड पी एस डॉट सेट इंट। फोर्थ इंडेक्स पे एस डॉट गेट एज, ठीक है। अब फाइनली रिटर्न किसको कर देगा, पी एस डॉट एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है। रिटर्न किसको करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। चलिए यहाँ पर हमने सेव के लिए लिख दिया मेथड को, हमने यहाँ पर JDBC का कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया जैसे कि आप करते थे ऐप कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमने ओरेकल के लिए किया, आपका दूसरा डेटाबेस है तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं, आपको हम बता देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं अब मेन क्लास में। मेन क्लास में आ गए, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉन इक्वल्स टू न्यू एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या है JDBC कॉन्फिग डॉट क्लास, ठीक है। एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन क्लास कौन सा है, JDBC कॉन्फिग डॉट क्लास। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट, डॉ का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डॉ इक्वल्स टू OBJ इक्वल्स टू डॉ कॉन डॉट सॉरी कॉन डॉट गेट बिन। और हमने कम क्या दिया था स्टूडेंट डॉ में, कंपोनेंट का नाम स्टूडेंट डॉ, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, मान लीजिए एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग वैल्यू सेट करेंगे, एस डॉट सेट रोल 1001, एस डॉट सेट नेम मान लीजिए रवि कुमार, एस डॉट सेट एड्रेस पटना, एस डॉट सेट एज हमने दे दिया 25, सॉरी ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है तो 25। अब उसके बाद टोटल स्टूडेंट का जो वैल्यू है उसको हम लोग कहाँ पर ऐड कर देंगे, डॉ डॉट सॉरी OBJ हमने बनाया है स्टूडेंट डॉ का ऑब्जेक्ट, तो OBJ डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट में जितने वैल्यू इंसर्ट हुए हैं सारे को सारे हम लोग स्टूडेंट डॉ में इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग मान लीजिए यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, डेटा सॉरी रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। चलिए तब तो इतना हो गया, लेकिन इसके पहले तो हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा, चूँकि किस टेबल में सेव करेगा, स्टूडेंट टेबल में, क्योंकि हमने स्टूडेंट दिया है। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, पहले देखते हैं कोई टेबल है हमारे पास नाम से, स्टूडेंट नाम से, नहीं कोई टेबल नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर हमने लिया 5 प्राइमरी की, नेम भैर कर 2 25 साइज दिया, एड्रेस भैर कर 30 साइज दिया और एज 2, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करते हैं और यहाँ
पेस्ट कर देते हैं और इंटर। टेबल क्रिएट हो गया, डिस्क स्टूडेंट देख लीजिए आप डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अभी नो रो सिलेक्टेड, ठीक है, कोई रो अभी सिलेक्टेड नहीं है। चलिए क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन एज में आते हैं और जावा एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैसेज क्या आया, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, तो देखते हैं कि डेटाबेस में वैल्यू गया या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, टेबल का नाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोल 101001 रवि कुमार पटना एंड 25। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देते हैं एक बार और 1002 ज्योति कुमारी, और एड्रेस हम लोग मान लीजिए PUNE पुणे कर देते हैं, और 21, ठीक है, एज 21। चलिए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। रिकॉर्ड इंस्ट्रक्ट सक्सेसफुली, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया 1002 पुणे और 21। चलिए एक तो ये मेथड था, एक और भी मेथड है ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग जो है सो सेव कर सकते हैं डेटा को। चलिए तो आपको इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो इस मेथड का क्या नाम है, इंसर्ट रिकॉर्ड। चलिए हम दूसरा बनाते हैं, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है सो सेव करेगा और इतना आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। PUBLIC पब्लिक void insert record, ठीक है, इसको भी हम लोग insert record ही कर लेते हैं, student s, और इसको कर देते हैं हम comment, ठीक है। insert record, तो यहाँ पर string जो आप यहाँ पर क्वेरी लिखे हैं आप उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा। तो स्ट्रिंग str में हम लोगों को यहाँ पर क्वेरी लिख दिए हैं, स्ट्रिंग इनटू स्टूडेंट, आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर कर देते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट, कॉलम का जो है सो दे सकते हैं, रोल जाएगा, नेम जाएगा, एड्रेस जाएगा, एज जाएगा, ठीक है। आप डिफाइन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैल्यूज 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद JDBC टेम्पलेट का हम लोग यूज कर लेंगे, जो ऑब्जेक्ट ऊपर हमने बनाया था, JDBC टेम्पलेट इक्वल्स टू न्यू, JDBC टेम्पलेट, उसके बाद यहाँ पर कर लेंगे हम लोग JDBC टेम्पलेट डॉट गेट डेटा सोर्स, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट एरे हम लोग बना लेते हैं, मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, इनपुट इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट क्या बनाया, एस, तो एस डॉट गेट रोल, उसी प्रकार से हम लोग सब कर लेंगे, एस डॉट गेट नेम कॉमा एस डॉट गेट एड्रेस कॉमा एस डॉट गेट एज, ठीक है, और लास्ट में सेमी कॉलन। उसके बाद JDBC टेम्पलेट डॉट अपडेट, अपडेट क्या चीज़ होगा,
और यहाँ पर हम लोग ऐड कर ले रहे हैं अपडेट में, यहाँ पर मेथड होगा कौन सा, JDBC टेम्पलेट डॉट UPDT अपडेट। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर चला जाएगा हमारा क्वेरी STR, जो हमने क्वेरी लिखा था वो कहाँ स्टोर है STR में, और यहाँ पर चला जाएगा जो ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू स्टोर हुआ है, तो किस में हुआ, इनपुट्स में, तो इनपुट्स यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और सेमी कॉलन दे देंगे। तो हमने जो ऊपर बनाया था मेथड उसी नाम से हमने नीचे बनाया, तो हम लोग को और कहीं चेंज करना है नहीं। चलिए अभी से रन कराते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लेते हैं 1003, पूजा कुमारी मान लीजिए, इसको दे देते हैं हम एड्रेस रांची, एंड इसका एज देते हैं 18 ईयर्स। चलिए इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूजा कुमारी रांची एज 18 ईयर्स, ठीक है, इंसर्ट हो गया वैल्यू। तो आप दोनों तरीका आपने देख लिया यहाँ पे, या तो फिर ऐसे आप बनाइए मेथड बना के, यहाँ पर भी आपने मेथड बनाया लेकिन यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को यूज किया, इसमें लिखना कितना कम पड़ रहा है, आप जो है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर्व डिप्रेशन आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको देखना है कि डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, हम लोग सेव कैसे कर रहे हैं, JDBC का यूज कैसे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जब MVC देखेंगे तो वहाँ आपको कर्व ऑपरेशन बताएंगे, ठीक है, पूरा विस्तार रूप से आपको बताएंगे एक एक करके, लेकिन अभी केवल देखना है कि JDBC यूज कैसे करते हैं, इसलिए हमने केवल इंसर्ट बताया है। अगर आप इसमें लिस्ट अगर करना चाहते हैं तो आप लिस्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हम वो सब आपको MVC में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।